एक ही मैं कह रहा हूँ ये। आलू पड़ा ना और रोटी में। हाँ बहुत बार पटना है। ओके जी, कल का बताएं पढ़ा हमने। Mutations to type 5 collagen, which result in the classic form of Ehlers Danlos, and it is characterized by extensibility and fragility of skin and joint hypermobility, or and the severe mutation of the mem type 3 collagen mein. Okay, theek hai, kya kya mutations ho sakti hain? Aapne type 5 aur type 3 bataya, iske alawa kaun kaun se enzymes ke andar mutation ho sakte hain? Lysyl hexylase and procollagen. Okay. What is osteogenesis imperfecta? It is a brittle bone syndrome. It's basically a genetic disorder in which the bones would fracture and bend easily. And it has three types. It has many types, but I've only mentioned three. Yeah. Okay. What is the severe form and what happens in the severe form? Anyone else besides Anna? Ma'am, type 2 and type 3 both are severe equally. In type 2, it is lethal in perinatal period as a growth, as a result of pulmonary conditions. And in type 3, it results in the fracture. What is the main chemical defect? What is the
mutation in collagen? In ma'am, collagen is replaced by amino acids with bulky side chains. आपकी क्लास वालों ने पूछा है दैट इन मैंकीज डिजीज हाउ लेस कॉपर इट कंट्रीब्यूट्स टू लेस एक्टिविटी ऑफ लेस एल ऑक्सीडेज कैन एनी वन ऑफ यू आंसर Yes, ma'am. Can you repeat the question? How less copper it contributes in Menkes disease, how less copper contributes to less activity of less oxidase? Khadija, aap bhi sunye beta. Theek hai, answer. Dekhen, baaki log kya answer karte hain. Agar kuch change hoga, then I'll tell. Bataye beta. Less copper, it does not bind with the enzyme lysyl oxidase and as a result, the cross linkages in the triple helix is not formed. ओके जी एनीवन एल्स अब्दुल्ला आप कुछ बताना चाह रहे थे मैम लाइसिल ऑक्सीडेज इटसेल्फ इज अ कॉपर किनलिंग एंजाइम तो अगर वो नहीं होगा तो ऑक्सीडेटिवली डीएमआई एक्ट नहीं करेगा हाइड्रोक्सीलाइसिन को जिसकी वजह से क्रॉस लिंक्स नहीं बनेंगे और कोलेजन फाइबर्स जो मैच्योर कोलेजन फाइबर्स हैं वो नहीं बनेंगे ओके जी खदीजा इज इट क्लियर Khadija Azim, is it clear? Should I repeat? Okay, good. Acha ji, ab mujhe ye batayenge ki what are the difference between elastin and collagen? Ma'am, in collagen are different genetic types, lekin elastin ki ek hi type hai. Uske baad jo collagen hai, usme aldolic क्रॉस लिंकेजेस की फॉर्मेशन होती है और इसमें डेसिन क्रॉस लिंकेजेस की फॉर्मेशन होती है इलास्टिन में उसके अलावा कोलेजन के अंदर हाइड्रोक्सी लाइसिन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन होता है वेयर एज इलास्टिन में हाइड्रोक्सी लाइसिन तो बिल्कुल भी नहीं होता और थोड़े बहुत कम हाइड्रोक्सी प्रोलीन होते हैं जिसकी वजह से हाइड्रोक्सी लाइसिन नहीं होता तो इलास्टिन में ग्लाइकोजाइलेशन भी नहीं होती इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट पार्ट्स भी प्रेजेंट इलास्टिन में लेकिन कोलेजन के साथ अटैच्ड है ठीक है ओके व्हाट इज द कॉज ऑफ इलास्टिसिटी इलास्टिन एनीवन एल्स द बॉयज आर नॉट एक्टिव टुडे जवान मोहसिन इधर मैम प्रेजेंट इधर ही सोए सोए लग रहे हो मोहसिन नहीं मैं अभी आया था अभी फोन किया ओके जी थोड़ा नेट का इशू आ रहा था ओके फाइन कोई लोग लड़के भी कंट्रीब्यूट किया करें तो बताएं जी व्हाट इज द कॉज ऑफ इलास्टिसिटी इन इलास्टिन हाउ इलास्टिन इज वेरी इलास्टिक व्हाट आर व्हाई इट हैज रबर लाइक इलास्टिन फाइबर इलास्टिन के फाइबर्स और ग्लाइकोप्रोटीन माइक्रोफाइबर से बना होता है ठीक है इससे ज्यादा इलास्टिन मैम हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पार्ट्स की वजह से हां जी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट्स की वजह से दे आर रिपीटिंग हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक रीजंस ठीक एंड किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं व्हेन यू इनहेल व्हाट हैपेंस जब हम इनहेल करते हैं तो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जो है वो बाहर वाली सरफेस पे आ जाते हैं दे एक्सपोज टू द मॉलिक्यूल्स और द वाटरी सरफेस जिसकी वजह से जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं दे केज अप अराउंड अबाउट द हाइड्रोफोबिक पार्ट्स फिर इसलिए हमारे पास वाटर केज कम एंट्रोपिकली ओके वाटर मॉलिक्यूल्स केज अप ओके ठीक है बाकी लोगों को भी समझ आ गया है What is the alpha 1 antitrypsin का क्या रोल है हमारी बॉडी में व्हाट इज द रोल ऑफ अल्फा 1 antitrypsin मैम इट अगेंस्ट द प्रोटीएजेस विच डिस्ट्रॉय इलास्टिन फॉर एग्जांपल इन द लंग्स
when an infection enters macrophages, kill infection, and also neutrophil produces a neutrophil elastase, which manages the elastin in the alveolar walls of lung. So, and alpha-antitrypsin acts on neutrophil elastase and decreases its power to destroy alveolar walls. And it secretes from the liver hepatic cells. Okay, why are smokers more prone to emphysema? मैम ये समझने आए कि स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स में डिफरेंस बता दें ठीक है जी कि जिसको समझ आई है वो थोड़ा सा रीड करेंगे बेटा व्हाई स्मोकर्स आर मोर बेसिकली स्मोकिंग कॉज ऑक्सीडेशन एंड सबसिक्वेंट इनएक्टिवेशन ऑफ मेथियोनिन एंड मेथियोनिन वो बाइंड नहीं कर पाता एंड मेथियोनिन यस यस इनहिबिट्स बाइंडिंग ओके ठीक है और कोई बताएगा प्लीज मिस एक्चुअली स्मोकिंग से जो है ना केमिकल जैसे रिलीज होते हैं वजह से ऑक्सीडेशन होती है मिथियोनिन की ठीक है ना तो मिथियो ऑक्सीडेशन की वजह से डेफिशिएंसी हो जाती है अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन की वजह से जिसके वजह से एम्फिसीमा हो जाता है ओके जी I repeat के जो स्मोकर्स हैं उनके अंदर अगर एक नॉर्मल पर्सन है एक उसके अंदर भी म्यूटेटेड एक अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन है वन ऑफ द एलील इट इज म्यूटेटेड वन इज नॉर्मल ठीक और एक स्मोकर है उसके अंदर भी एक नॉर्मल एलील है एक म्यूटेटेड एलील है तो जो नॉर्मल पर्सन है उसको एम्फिसीमा नहीं होगा जो स्मोकिंग नहीं करता उसको एम्फिसीमा नहीं होगा लेकिन जो स्मोकिंग करता है उसको एम्फिसीमा होगा बोथ आर हेटेरोज़ाइगस ठीक दोनों के अंदर एक म्यूटेटेड एलील है व्हिच इज कॉल्ड एज द जी एलील और एक नॉर्मल एलील है व्हिच इज कॉल्ड एज द एम एलील ठीक है अब स्मोकिंग की वजह से केमिकल्स अंदर इनहेल कर लेते हैं वो दैट केमिकल्स दे विल ऑक्सीडाइज अ स्पेसिफिक मेथियोनिन एंड दैट स्पेसिफिक मेथियोनिन इट इज प्रेजेंट एट द एक्टिव साइट ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ठीक है उसकी वजह से जो है वो वाला अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन अपना काम नहीं कर सकता और अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन का काम क्या है दैट इट विल इनहिबिट इलास्टिन ठीक सो बिकॉज इट इज इनएक्टिवेटेड बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडाइज्ड मेथियोनिन इट विल नॉट बी एबल टू इनहिबिट इलास्टेज और इलास्टेज इट विल डिस्ट्रॉय योर लंग्स ठीक है क्लियर है कुछ या नहीं मैम अगर स्मोकर है उसमें अल्फा एंटी वन की अल्फा एंटी ट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी है लेकिन वो स्मोकिंग करता है तो उससे मैम जो उसके स्मोक से उसके लंग डैमेज होंगे लेकिन उसमें डेफिशिएंसी अल्फा एंटी ट्रिप्सिन की है ये तो जल्दी आ रहा है कि यानी कि जल्दी डैमेज होते ही इज मोर प्रोन टू एम्फिसीमा वो ज्यादा लंग्स को डैमेज करेगा एज कंपेयर टू अ नॉर्मल वन जिसमें भी डेफिशिएंसी है तो स्मोकर्स जो है उनके लंग्स ज्यादा डिस्ट्रॉय अब वहाँ पे एंटीट्रिप्सिन तो है नहीं यानी मेथियोनिन भी वहाँ पे नहीं होगी तो फिर वो डेफिशिएंसी होती है डेफिशिएंसी का मतलब एब्सेंस नहीं होता ठीक है ओके जी अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं फर्दर हमने आज करने हैं अभी तक जी जी बेटा मैम मुझे वो नहीं समझ आया था कि इलास्टिन इलास्टिक क्यों होता है इलास्टिन इलास्टिक क्यों होता है ठीक है मैं आपको डायग्राम से बता देती हूँ ठीक है कल तक हमने जो कर लिया है हमने ईसीएम का आई एम गिविंग यू अ रीकैप अभी तक हमने इसमें क्या किया है स्टार्ट में हमने ईसीएम को इंट्रोड्यूस कराया था उसके बाद हमने आपको तीन क्लासेस होती हैं मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चरल है एडहेशन प्रोटीन्स है एंड प्रोटियोग्लाइकेंस है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को हमने डिटेल में करना था जिसमें हमने कोलेजन को ज्यादा डिटेल में किया हमने उसकी स्ट्रक्चर की टाइप्स की उसकी सिंथेसिस की उससे रिलेटेड डिजीजेस की फिर हमने इलास्टिन किया उसका स्ट्रक्चर और उससे उसकी सिंथेसिस ब्रीफली और उसके बाद से रिलेटेड डिजीजेस ठीक आज हमने जो करना है आज हमने करना है फिब्रिलिन ठीक व्हिच इज द लास्ट स्ट्रक्चरल प्रोटीन फिब्रिलिन 1 और 2 दोनों ठीक है फिब्रिलिन 1 को मेनली हम फोकस करेंगे ठीक उसके बाद फिब्रिलिन के बाद हम आ जाएंगे एडहेशन प्रोटीन्स पे वी डू बोथ एडहेशन प्रोटीन्स which are laminin and fibronectin aur time hamare paas bach gaya agar inshallah to hum proteoglycan ka introduction kar lenge aaj
ठीक मैम, ये किधर है लिपिन कॉट में? क्या चीज? ये लिपिन कॉट में नहीं, ठीक है? फिब्रिलिन, लैमिनिन, फाइब्रोनेक्टिन, यू हैव टू डू इट फ्रॉम हार्ट, ठीक है? और आज मैं शाम तक कोशिश करके आपकी गूगल क्लासरूम की स्लाइड्स कर दूंगी शेयर, मुझे कल टाइम नहीं मिला। ओके जी, अब हमने बनाया है। अच्छा जी, आपने पहले इलास्टिन पूछा है, दैट व्हाई इलास्टिन इज इलास्टिक। इलास्टिन के पास दो तरह के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है? दो तरह के कंपोनेंट्स का मतलब है कि इसके पास जो अमाइनो एसिड्स हैं वो दो तरह के, एक अमाइनो एसिड्स है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड मोस्टली जो है ना दे आर वाटर फेयरिंग, सो दे अरेंज देमसेल्फ ऑन द इनसाइड, अंदर की तरफ ये जो आर ग्रुप्स या उनकी जो साइड चेन है ना वो अंदर की तरफ अरेंज होती है। और जो होता है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स, दे आर प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड नॉर्मली, क्योंकि ये आपको पता है इलास्टिन का स्ट्रक्चर कैसा है, इस तरह से है, इस तरह से ये, ठीक है? ये इलास्टिन का स्ट्रक्चर है, नजर आ रहा है? जी मैम, दिस इस तरह से कॉइल स्ट्रक्चर है। तो टुवर्ड इनसाइड जो अमाइनो एसिड होंगे वो होंगे हाइड्रोफोबिक, और बाहर की तरफ जो अमाइनो एसिड होंगे उनकी साइड चेन जो हाइड्रोफिलिक है उनकी, उन्होंने अपनी साइड चेन बाहर की होंगी, ठीक है? व्हेन वी इनहेल, और जब हम स्ट्रेच करते हैं, लाइक कोई भी अपना ऑर्गन जो के चाहे वो हो, चाहे हमारा यूरिनरी ब्लैडर है या लंग है, जब वो स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, व्हाट हैपेंस, ऑल द मॉलिक्यूल्स दे कम ऑन द सर्फेस, हाइड्रोफोबिक भी बाहर आ जाते हैं, हाइड्रोफिलिक भी बाहर आ जाते हैं, ठीक है? इसके बाहर आने की वजह से अगर हाइड्रोफोबिक बाहर आ जाएगा, बिकॉज हाइड्रोफोबिक दे आर नॉट वाटर लविंग, वाटर विल बी रिपेल्ड, और यहाँ पर अपने आप को अपने इर्द गिर्द अरेंज करेगा जैसे डर के, ठीक है? वाटर विल अरेंज इटसेल्फ इनटू केजेस, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट अरेंज्ड हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, देन एंट्रोपी इज डिक्रीज, ठीक है? इसके इर्द गिर्द अगर अरेंज हो जाएगा, या जैसे यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल दे विल अरेंज देमसेल्फ एंड एंट्रोपी इज डिक्रीज्ड, ठीक है? वापस व्हेन द स्ट्रेच फोर्स इट इज रिलीज्ड, ठीक, खत्म हो जाती है, देन इट अगेन कॉइल्स इटसेल्फ, ये जो इलास्टिन का मॉलिक्यूल है ये अपने आप को फोल्ड कर लेता है, and hydrophobic molecules they will go inside and the hydrophilic they will come outside, bahar aa jayenge, aur water phir jis tarah marzi because hydrophilic hai to wo jitni arrangement thi wo khatam ho jayegi aur wo kisi bhi form mein water jo hai specific arrangement mein disordered form mein water will surround the elastomeric, theek, and entropy it will increase, to ye jo iski elasticity hai it is due to the hydrophobic and hydrophilic regions, alternate hydrophobic and hydrophilic regions. ji thank you ma'am. okay, ab hum aate hain fibrillin. fibrillin jo hai glycoprotein hai, glycoprotein ka matlab mainly iska part protein hai, but it has carbohydrates in it, theek hai? iska size 350 kilo dalton hai, theek, ye aap yani yaad kar le to bhi theek hai, na yaad kare to bhi theek hai. फिब्रिलिन वन जो प्रोटीन है, इट इज द पार्ट ऑफ द माइक्रोफिब्रिल्स, माइक्रोफिब्रिल्स कल आपको दिखाई थी, ठीक है? लंबी लंबी सी फाइबर्स हैं और उसके ऊपर इलास्टिन डिपॉजिट हो रहा था, ठीक है? दीस माइक्रोफिब्रिल्स दे आर 10 टू 12 नैनोमीटर लॉन्ग, सॉरी थिकनेस इज 10 टू 12 नैनोमीटर, ठीक है? 10 टू 12 नैनोमीटर, ठीक है? अब इसके ऊपर माइक्रोफिब्रिल्स दे एक्ट एज स्कैफोल्ड, कल भी मैंने आपको बताया था, दे एक्ट एज अ बेस एंड ऑन इट नॉट ओनली इलास्टिन इट डिपॉजिट्स, इलास्टिन के अलावा और भी नॉन इलास्टिन करेक्टिव टिश्यू भी इसके ऊपर डिपॉजिट हो सकते हैं, ठीक है? तो माइक्रोफिब्रिल्स का क्या रोल है? माइक्रोफिब्रिल्स दे आर मेड अप ऑफ नॉट ओनली फिब्रिलिन 1, फिब्रिलिन 2 भी होती है इसके अंदर और भी एमिलिन प्रोटीन है एक, वो भी होती है, ठीक? तो इसके मल्टीपल प्रोटीन्स हैं एंड दोस प्रोटीन्स दे डू व्हाट, दे मेक द माइक्रोफिब्रिल्स, और माइक्रोफिब्रिल्स के ऊपर फिर इलास्टिन डिपॉजिट करता है, और इलास्टिन के अलावा और भी कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन्स जो है वो भी डिपॉजिट हो सकती हैं, ठीक है? ये हो गया फिब्रिलिन का इंट्रोडक्शन। फिब्रिलिन साइज कैसे होता है?
जिस तरह से सारी प्रोटीन सिंथेसाइज होती है, सारी प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना, ठीक है। प्रोटीन जब बनता है, इट इज सीक्रेटेड सेल्स व्हिच आर नोन एज फाइब्रोब्लास्ट, जब ये बन जाता है फिब्रिलिन, ठीक है, ये कलर का फिब्रिलिन है, ठीक है। फिब्रिलिन इट इज सीक्रेटेड आउट ऑफ द सेल, सेल से बाहर आ जाता है, ठीक, ये सेल से बाहर आ जाता है, देन इट अरेंजेस इटसेल्फ, ठीक, अपने आप को अरेंज कर लेता है, एंड it arrange itself in the form of fibers, and on these fibers then elastin is deposited. ठीक है, इसकी arrangement में इसको fibrillin 2 help करता है, ठीक है, fibrillin 2 इसकी arrangement में help करता है, इसके अलावा amylin एक protein है, वो arrange करने में help करता है, ठीक। अब ये protein जिस तरह यहाँ पे दिखाया fibrillin है, fibrillin it is released out of the cell, जब ये cell से बाहर release हो जाता है, then it is polymerized, after polymerization it forms microfibrils. And on microfibrils, elastin it is deposited, ठीक है? और elastin फिर आपको पता है कहाँ कहाँ हमारे मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर होता है, ठीक है? यहाँ तक समझ आती है? मैं रिपीट कर दूँगा। रिपीट कर दें एक बार। अच्छा जी, ये है कि समराइज इस तरह कर लेते हैं कि फिब्रिलिन 1 एक ग्लाइकोप्रोटीन है। मैम प्रीवियस स्लाइड भी ये yes ma'am okay ma'am इससे पहले वाली डायग्राम, ठीक है, डायग्राम मैं आपको बता देती हूँ। असल में ये डायग्राम मैंने सिर्फ ये थोड़ा सा समझाने के लिए कि आप थोड़ा विजुअलाइज कर सकें, ठीक। अदर प्रोटीन सिंथेसिस आपने इलास्टिन की भी की है, कॉलेजिन की भी, इसकी भी सिंथेसिस वैसे ही होती है, ठीक है। कोई भी प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज होती है, इट इज सिंथेसाइज इनसाइड द सेल, सेल के अंदर डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से ट्रांसलेशन होके प्रोटीन बनेगी, ठीक है। ये प्रोटीन जब बन जाती है, देन इज एक्सक्रीटेड आउट इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ये रेड कलर की फिब्रिलिन 1 है, ठीक। अब ये जो रिलीज होगी तो सिंगल सिंगल फाइबर है ना, देन दीज सिंगल फाइबर्स दे आर अरेंज्ड इनटू फिब्रिलिन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और ये माइक्रोफिब्रिल्स की फॉर्म में अपने आप को अरेंज करेंगे, ठीक। और इस माइक्रोफिब्रिल्स के ऊपर इनकी अरेंजमेंट में इनको और प्रोटीन्स जो है वो हेल्प करती है, ठीक है। और वो और प्रोटीन्स जो है उनके नाम में आपको बताया था, फिब्रिलिन 2 है, एमिलिन है, वो इनको माइक्रोफिब्रिल बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और इसके ऊपर फिर इलास्टिन डिपॉजिट होता है। माइक्रोफिब्रिल्स या फिब्रिलिन का मेनली काम क्या है, दैट इट विल एक्ट एज अ स्कैफोल्ड, ठीक, या एक बेस के तौर पर एक्ट करेगा, और उसके ऊपर फिर इलास्टिन डिपॉजिट होगा। जिस तरह जैसे लेंटर डल रहा होता है जब घरों में, तो पहले सरिया सा डालते हैं, ठीक है, और फिर सीमेंट सीमेंट फिल करते हैं, ऐसे ही होता है। यस मैम, वो ज्यादा तो ये जो सरिया है ना, आप समझे कि ये फिब्रिलिन है और इसके अंदर जो सीमेंट है वो इलास्टिन है, ठीक है। तो ये एक फ्रेमवर्क के तौर पे एक्ट करता है, और उस फ्रेमवर्क के ऊपर फिर इलास्टिन डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो फिब्रिलिन 1 है ना, बेसिकली ये 3 जगहों पर है, ठीक, बाकी जगहों पर भी है, लेकिन ज्यादातर ये 3 जगहों पर है, और इससे रिलेटेड जो डिजीज है, विच इज मार्फन सिंड्रोम, उसमें जो सिम्टम्स आते हैं ना, वो भी इन 3 जगहों पे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जगह लेंस, ओके, आईज, दूसरी जगह पेरी ऑस्टियम अराउंड द बोन्स, ठीक है, तीसरी जगह एओर्टा इन द इलास्टिन फाइबर्स ऑफ एओर्टा, ठीक। तो इससे जो डिजीज है उसके सिम्टम्स भी इन 3 जगहों पे आएंगे, ये आपने याद रखना, ठीक। फिब्रिलिन 1 कहाँ कहाँ है, द लेंस में है, पेरिओस्टियम, लेंस, पेरिओस्टियम और एओर्टा, ठीक है। अब जो है ना, मैंने आपको ये बता दिया था कि माइक्रोफिब्रिल्स के साथ जो है, फिब्रिलिन के साथ एमिलिन और माइक्रोफिब्रिल अदर एसोसिएटेड प्रोटीन है, जो कि इसके कुछ माइक्रोफिब्रिल बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। यानी उसमें खाली फिब्रिलिन नहीं है, ये प्रोटीन्स भी हेल्प करते हैं। अब फिब्रिलिन 2 जो है, ये भी जो है माइक्रोफिब्रिल्स का पार्ट है, ठीक है। फिब्रिलिन 2 जो है, इट सिंथेसाइज फिब्रिलिन 2 जीन जो है, इट विल सिंथेसाइज फिब्रिलिन 2 मॉलिक्यूल। अब अगर इस
की सिंथेसिस में म्यूटेशन हो फिब्रिलिन 2 ना बने व्हाट विल हैपन इट विल कॉज द जॉइंट्स टू कंट्रैक्ट ठीक है मुड़े हुए जॉइंट्स If fibrillin 2 is deficient or there is a mutation in fibrillin 2 gene, then the person it will have the contracture joints. Is tarah mude mein joints. Theek? Marfan syndrome is different from this. It is called as contractural arachnodactyly. Theek hai? Now we'll come to which is called as Marfan syndrome. हमने सिर्फ कोलेजन को ज्यादा डिटेल में पढ़ना है एलास्टिन को हमने उससे कम डिटेल में पढ़ा फिब्रिलिन को हम उससे भी कम डिटेल में पढ़ रहे हैं ठीक है बिकॉज़ रिक्वायरमेंट आपके सिलेबस की इतनी ही है अच्छा जी Marfan syndrome क्या है यहाँ से आप देखिए what is Marfan syndrome Marfan syndrome जो है fibrillin 1 gene which is present on chromosome number 15 उसके अंदर हो जाएगी म्यूटेशन ठीक है व्हाट विल हैपन देयर इज म्यूटेशन इन द जीन ऑफ फिब्रिलिन 1 जब जीन ही म्यूटेटेड होगा तो उससे जो प्रोटीन बनेगी वो भी म्यूटेटेड बनेगी ठीक है एबनॉर्मल फिब्रिलिन बनेगी ठीक है अब इसके अंदर होता है Marfan syndrome में देयर आर बोथ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल फिब्रिलिन मॉलिक्यूल्स ठीक है नॉर्मल फिब्रिलिन मॉलिक्यूल भी होते हैं और साथ साथ एबनॉर्मल फिब्रिलिन मॉलिक्यूल भी होते हैं ठीक और एबनॉर्मल फिब्रिलिन मॉलिक्यूल जब डिपॉजिट होते हैं तो जो मैच्योर फिब्रिलिन जिस तरह माइक्रोफाइब्रिल्स हैं वो उस तरह की प्रॉपर माइक्रोफाइब्रिल्स नहीं बनते ठीक है सो इन फिब्रिलिन सॉरी इन Marfan syndrome जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं दे कंटेन बोथ सम अमाउंट ऑफ नॉर्मल फिब्रिलिन एंड सम अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल फिब्रिलिन ठीक है इसकी वजह से क्या होगा मैंने आपको बताया था तीन जगहों के ऊपर इशू होगा कहां कहां लेंस पेरियोस्टियम लेंस पेरियोस्टियम और इलास्टिन इलास्टिन फाइबर्स लेंस पेरियोस्टियम होता ठीक है अब लेंस के मतलब आईज में होगा उसकी वजह से क्या हो सकता है कि साइट वीक हो सकती है ठीक है उसकी वजह से क्या हो सकता है देयर इज डिसलोकेशन ऑफ द लेंस dislocates from its place and it is known as ectopia lentis. Bones they are affected. So bones में क्या होता है कि the bones they are long. ठीक है the patients are tall. उनकी long digits होते हैं. ठीक है और इसको कहते हैं arachnodactyly. ठीक and there is hyperextensibility of the joints also. Cardiovascular system में basically ये जो है ना aorta जो है उसको affect करता है वो भी ascending aorta को. ठीक है तो वो जो ascending aorta है उस इट विल बी वीक उसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं होगी डायलेटेड फॉर्म में होगा ठीक है क्यों बिकॉज़ माइक्रोफिब्रिल नहीं है माइक्रोफिब्रिल नहीं है तो उसके ऊपर इलास्टिन प्रॉपर डिपॉजिट नहीं हुआ हुआ इसकी वजह से उसके अंदर इलास्टिसिटी ठीक है इन द असेंडिंग एओर्टा मैम हम ये Marfan syndrome की बात कर हम ये Marfan syndrome की बात कर अब इसके अलावा हार्पर के अंदर मेंशन किया हुआ है दैट एक्सेसिव एलिवेटेड लेवल ऑफ ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा दे आर ऑल इन्वॉल्वड इन द Marfan syndrome अब ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा का क्या रोल है इधर ठीक है ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा का ये रोल है कि जो नॉर्मल जब माइक्रोफिब्रिल होते हैं ठीक तो ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा इट हेल्प्स द फिब्रिलिन 1 टू फॉर्म द माइक्रोफिब्रिल्स जितना ट्यूमर ग्रोथ जितना फिब्रिलिन 1 की क्वांटिटी बनेगी उतना ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा भी बनता जाएगा ठीक है ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा का क्या है दैट इट हेल्प्स टू फॉर्म द माइक्रोफिब्रिल्स ठीक है तो ये फिब्रिलिन 1 के साथ बाइंड करता है ठीक और इसको माइक्रोफिब्रिल्स बनाने में हेल्प करता है अब अगर फिब्रिलिन 1 इट इज प्रोड्यूस्ड इन लेसर क्वांटिटी या ये म्यूटेट बंद हो जाता है फिब्रिलिन 1 के अंदर म्यूटेशन हो गई है इसकी क्वांटिटी या इसकी अमाउंट कम हो गई है ठीक तो फिर लेकिन ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा जो है वो नॉर्मल अमाउंट में बन रहा है व्हाट विल हैपन फिब्रिलिन विल बिकम लोअर एंड देयर विल बी इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा अब ये ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा क्या है इट इज अ साइटोकाइन मैम इसको रिपीट कर दें जो आपने अभी अभी बताया सारा
दो तीन लाइन मैं रिपीट कर देती हूँ। ठीक, ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा जो है इसका रोल है मार्फन सिंड्रोम में। अब इसका रोल कैसे है कि फिब्रिलिन 1 जैसे बनता है नॉर्मली, ठीक है, जब मार्फन सिंड्रोम नहीं होता, फिब्रिलिन 1 बनता है तो ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा उसके साथ बाइंड करता है और उसको माइक्रोफिब्रिल बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब इसी म्यूटेशन की वजह से जो मैंने आपको बताई है, उस म्यूटेशन की वजह से फिब्रिलिन 1 जो है कम क्वांटिटी में बन रहा है या एबनॉर्मल फिब्रिलिन 1 बन रहा है तो ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा उसके साथ बाइंड नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन बनेगा ये नॉर्मल क्वांटिटी में। ठीक है, फिब्रिलिन 1 कम प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन ट्यूमर ग्रोथ बीटा इज प्रोड्यूस इन द नॉर्मल क्वांटिटीज, तो ये ज्यादा एक्सेस में हो जाएगा, ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा का लेवल राइज कर जाएगा। ठीक है, ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा है क्या, किसी को पता है? ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा जब इसका लेवल ज्यादा हो जाएगा बिकॉज इट इज अ साइटोकाइन, इट विल कॉज इन्फ्लेमेशन। ठीक है, और इट विल लीड, इतने भी ये सारे सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, विच आर रिलेटेड टू एओटा या एओटिक वाल्व, तो वो जो भी सिम्टम्स हैं उन सबको एग्रेवेट करता है, इट विल एग्रेवेट द सिम्टम्स। ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा इन उसको बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है कि कोई ऐसी दवाई दे जिससे ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा का लेवल नॉर्मल हो जाए। तो जब ये पता चला कि इस ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा की भी इन्वॉल्वमेंट है, देन ऐसी मेडिसिन देने लगे पेशेंट को जिससे इसका लेवल कम हो जाए। एंड मेडिसिन आर कि एक एग्जांपल यहाँ बताई हुई है लोसार्टन, ठीक है, इट विल decrease the level of tumor growth factor beta, it will decrease the tumor growth factor beta aur uske level ko kam kar de. theek hai, to phir tumor growth factor beta jo bhi symptoms se aggravate karta hai wo nahi kar sakega. samajh aati hai? acha ji, this diagram it shows ke kahan kahan par मार्फन सिंड्रोम अफेक्ट करता है। ठीक है, आपको बेसिकली मैंने बताया था इट अफेक्ट ऑन द आईज, ठीक है, इसमें लेंस डिसलोकेशन हो सकती है, रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है एंड द पेशेंट नियरसाइटेड, ठीक है, दूर की नजर कमजोर होती है, ठीक, बिकॉज माइक्रोफिब्रिल्स जो फाइब्रिलिन लंग्स में भी होता है, ठीक, तो लंग भी कोलैप्स कर सकती है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में इट अफेक्ट्स एओर्टा, ठीक है, एओर्टा की डायलेशन और वाइडनिंग हो सकती है, ठीक, स्केलेटल सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, तो स्केलेटल सिस्टम पर वो उनकी देयर डिजिट्स दे आर लॉन्ग, उन लंबे होंगे पेशेंट्स, ठीक है, इसके अलावा उनकी स्पाइन इट इज कर्व्ड एंड इट इज कॉल्ड अ स्कोलियोसिस, ठीक है, उनके रिब्स अफेक्ट होंगे एंड द चेस्ट विल बी पिजन शेप, ठीक, पिजन की जैसे आगे होती है लाइक ट्राइंगल, एक थोड़ा सा या फनल चेस्ट कहते हैं इसको, एंड इट्स जॉइंट विल दे विल बी लूज। ठीक है, ये इसके अलावा जो स्क्लेरा ब्लू होता है, स्क्लेरा ब्लू इसलिए होता है क्योंकि पर का जो मेम्ब्रेन है इट इज थिन और तो नीचे से पिगमेंट हमें नजर आता है, ये अब्राहम लिंकन अंग है, तो इट इज जो है ना इनको सपोज किया जाता है कि इनको भी मार्फन सिंड्रोम था। ठीक है, तब जब ये थे तब मार्फन सिंड्रोम डिस्कवर नहीं हुआ था, तो बाद में जब पूरी डिस्कवरी हो गई और चीजों का पता चला तो एज्यूम ये किया जाता है कि अब्राहम लिंकन को भी मार्फन सिंड्रोम, ही वाज सफरिंग फ्रॉम मार्फन सिंड्रोम। ठीक, ये वैसे ही आपको एक इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है जी, हमारे यहाँ फिब्रिलिन खत्म हो गया, नाउ विल कम टू एडहेशन प्रोटीन्स। एडहेशन प्रोटीन्स के अंदर हमने दो मेन प्रोटीन करनी है, एक हमने करनी है फाइब्रोनेक्टिन, एक हमने करनी है लैमिनिन। फिब्रिलिन 1 इज ओके, प्रोसीड करें फर्दर बेटा। यस मैम, ओके। अच्छा जी, इनको भी हमने ठीक बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करना, आपके एडहेशन प्रोटीन, ठीक है, फाइब्रोनेक्टिन और लैमिनिन। ठीक,
ठीक है, और नाम से पता क्या चलता है ये क्या करती है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हमने कर ली तीनों, एडहेरेंस प्रोटीन्स जॉइन करती, जोड़ती है, जॉइन करती। ओके, अब ये जो प्रोटीन्स है एडहेशन प्रोटीन, ये किसी एक को बाइंड नहीं करती, दे बाइंड मल्टीपल मॉलिक्यूल्स, दे कैन बाइंड कोलेजन, दे कैन बाइंड फाइब्रिन, दे कैन बाइंड प्रोटीओग्लाइकेंस, दे कैन बाइंड लैमिनिन, दे कैन बाइंड डिफरेंट सेल्स, दे कैन बाइंड हेपरिन, मुख्तलिफ लोगों को बाइंड कर सकती है। ठीक है, इनके पास काफी सारे, आप समझो बहुत सारे हैंड्स हैं इनके, अपने हैंड से ये एक से इधर ज्वाइन कर लेंगी, दूसरे हाथ से कहीं ज्वाइन कर लेंगी। तो दीज एडहेशन प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट because they adhere or they join the extracellular matrix together. ठीक है, अब सबसे पहले इसके अंदर जो प्रोटीन हमने करनी है it is fibronectin. ठीक है, fibronectin ये जो आपको balls नजर आ रहे हैं, ठीक, ये नीचे वाला पार्ट नहीं, ये पार्ट नहीं, ये जो ऊपर आपको एक लाइन में balls नजर आ रही है, this is a fibronectin molecule. ठीक है, it is present in the soluble form in the extracellular matrix. ठीक है, it is a glycoprotein. glycoprotein का मतलब हमने बता दिया। ठीक है, it is a large protein and it has so many domains. इसके पास काफी सारे domains हैं और ये बहुत सारे molecules को इकट्ठे bind कर सकता है at a time. ठीक है, different components को एक वक्त में bind कर सकता है। ठीक है, like यहाँ किसी और को bind कर लेगा, यहाँ से किसी और को bind कर लेगा, यहाँ से किसी और को bind कर लेगा। ठीक है, अब हम इसकी स्ट्रक्चर की डिटेल में जाते हैं। यहाँ तक समझ आता है फाइब्रोनेक्टिन के बारे में मैंने क्या बताया है? यस मैम। ठीक, ये लार्ज प्रोटीन है, एक फाइबर की फॉर्म, एक लंबी जो है रस्सी की तरह आप समझ सकते हैं, सॉल्युबल है ये, और ये इसके पास मुख्तलिफ जगहों से ये मुख्तलिफ चीजों को बाइंड कर सकता है। ठीक है, इट हैज अ एडहेसिव प्रॉपर्टी। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक, ये मैंने हाथ पर से डायग्राम ली है, इसको फर्दर एक्सप्लेन आपको एक और डायग्राम से भी कर दूंगी। इट इज अ होमोडाइमर। ठीक है, होमोडाइमर क्या होता है? होमो मींस दो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं एक जैसे बने जैसे। ठीक है, एंड दीज टू मॉलिक्यूल्स टू पार्ट्स दे आर जॉइंट टुगेदर एट देयर कार्बोक्सिल एंड बाय टू डाइसल्फाइड लिंकेज। यहाँ पे दो डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से ये इधर से अटैच होता है। ठीक है, अब ये जो पार्ट हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मोटिव्स, रिपीटिंग मोटिव्स, एंड दीज मोटिव्स देयर आर थ्री, मेनली थ्री टाइप्स ऑफ मोटिव्स। ठीक है, and these three motifs they are further divided into seven domains, at least seven domains, seven se zyada domains bhi ho sakte hain. theek hai, aur in domains ki wajah se it can bind multiple things. aap yahan se dekhe, yahan se upar se isne collagen ko bind kiya hua hai, is side pe iske heparin laga hua hai, is side ke upar ye cell ke sath bind kiya hua hai. theek hai, ye jo receptor hai, this receptor it is present in the cell membrane, so it is binding cell, it is binding heparin, it is binding collagen at the same time. ठीक है, तो थोड़ा सा इस जो like domains, ma'am, seven each for all the three sections. हाँ, total में 21 या total में 21 या असल में इसकी quantity उस तरह से determine नहीं है. ठीक है, they can vary, change हो. जी. ठीक है, डोमेन्स को उन्होंने इस तरह से शो किया हुआ है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 सेवन डोमेन्स हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस डोमेन इट कैन बाइंड हेपरिन, कैन बाइंड फाइब्रिन, दिस डोमेन इट कैन बाइंड कोलेजन, दिस डोमेन इट कैन बाइंड डीएनए, दिस डोमेन कैन बाइंड अ सेल, अनदर डोमेन इट कैन बाइंड हेपरिन, देयर इज अनदर डोमेन इट कैन बाइंड अनदर सेल, इसलिए सेल बी लिख दिया है, एंड अनदर डोमेन इट कैन फाइब्रिन. ठीक है, ये चेंज हो सकता है, ऑल्टर हो सकता है, ये स्पेसिफिक नहीं. ठीक, एक बात जो इंपॉर्टेंट है दैट दिस फाइब्रोनेक्टिन इट कैन बाइंड टू इट्स रिसेप्टर, ये आपको ऊपर नजर आया था दैट इट इज बाइंडिंग टू इट्स. ठीक है, ये रिसेप्टर का नाम है इंटेग्रिन. ये इंटेग्रिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है बाय अ स्पेसिफिक सीक्वेंस इज नोन एज आर जी डी. आर फॉर आर्जिनिन, जी फॉर आयसिन,
and D for aspartic acid. Okay? So there is a specific sequence on fibronectin which is called as RG sequence. R is for arginine, G is for glycine, and D is for aspartic acid. And through this specific sequence, it can bind its receptor. ठीक है, RGD sequence जो है खाली इसमें नहीं होता. RGD sequence खाली fibronectin में नहीं होता, ये और भी बहुत सारे molecules के अंदर होता है. और this RGD sequence, it is used to bind the receptor is called as integrin. ठीक, आप imagine कर सकते हैं. No, ma'am. No? चलिए मैं आगे डायग्राम दिखती हूँ, उससे थोड़ा सा बेहतर आपको इमेजिन कर लेंगे. ठीक, अब अगर हम कोई सिंथेटिकली एक सीक्वेंस सिंथेसाइज करें, ठीक है, बाहर, और उसके अंदर हम आर यानी कि उसमें आर्जिनिन, ग्लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड डाल दें, एंड दैट सिंथेटिक सीक्वेंस इट इज इंसर्टेड इन द बॉडी. ठीक, तो वो वाला सिंथेटिक सीक्वेंस क्या करेगा कि वो इसके साथ क्लीच करेगा. ठीक है, और फाइब्रोनेक्टिन को या जहां जहां पे भी जिन जिन मॉलिक्यूल्स के पास आरजीडी सीक्वेंस है उनको प्रॉपर इंटेग्रिन के साथ बाइंड होने नहीं देगा. ठीक है, समझ आती है ये बात? अगर हम सिंथेटिकली एक आरजीडी सीक्वेंस या आरजीनिन ग्लाइसिन एस्पार्टेट का सीक्वेंस अपनी बॉडी के अंदर एंटर करा दें, या हम बाहर कोई हमने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सेल्स के साथ, तो उस सेल कल्चर के अंदर हम आरजीडी सीक्वेंस सिंथेटिक डाल दें, that synthetic RGD sequence, it will compete with all those molecules like fibronectin hai ya laminin hai, laminin ke paas bhi RGD sequence hota hai, inke saath compete karega aur inko properly bind nahi karega, inke baad pe khud wo bind ho jayega. Samajh aati hai baat? Jaise do log ho, miss ye integrin मिस ये इंटेग्रिन के साथ कंपीट करेगा और उसकी जगह जाके बाइंड हो जाएगा, या फिर जो आरजीडी के साथ कंपीट नहीं करेगा. आरजीडी इज प्रेजेंट ऑन फाइब्रोनेक्टिन. फाइब्रोनेक्टिन का जो रिसेप्टर है उसका नाम इंटेग्रिन. ठीक है, इस डायग्राम से आपको थोड़ा बेहतर समझ आता है. दिस इज अ फाइब्रोनेक्टिन मॉलिक्यूल. ये आप देखें कि इसके पास दो डोमेन है एंड दीज सॉरी दो इसके पार्ट्स है. ठीक है, and these two parts they are together by two disulfide bonds. ठीक है, center में इसके एक RGD sequence. Through this RGD sequence, it will bind to its receptor. Receptor का नाम है integrin. ठीक है, इस ये नहीं integrin को bind कर सकता है इधर से. इसके अलावा इसके पास यहाँ पर for example there is a heparin binding domain जिससे ये heparin को bind कर सकता है. This is a fibrin binding domain. This is a collagen binding domain. ठीक है, then again there are fibrin binding domains and there are heparin binding domains. Ma'am, ये fibronectin का single structure है ना? ये single structure है fibronectin का. आप imagine कर सकते हैं आप? Yes, ma'am. और ma'am इस तरह काफी ज़्यादा होते हैं एक cell के surrounding में. काफी ज्यादा. फिर आपको एक और डायग्राम दिखाऊंगी, उसके अंदर आपको नजर आएंगे काफी सारे. जी, बाकी कुछ समझ आती है? मैं ये कह रही थी कि अगर सिंथेटिक आरजीडी सीक्वेंस डालें तो ये सिंथेटिक आरजीडी सीक्वेंस जो है फिर इसके साथ कंपीट करे. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सीट और उस पे एक बंदा ही बैठ सकता है ना, जाहिर है. तो एक इंटेग्रिन रिसेप्टर है, उस पर एक मॉलिक्यूल बाइंड कर सकता है. अब अगर दो तीन लोग आ जाएं तो आपस में कंपटीशन हो जाएगा ना, तो जो रॉन्ग होगा वो बैठ जाएगा. मैम जो ये ऑलरेडी प्रेजेंट है आरजीडी इनको ये डिस्ट्रॉय कर देगा, ये जो सेंट्रल नहीं डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, इसके साथ क्रिएट करेगा. यही मैं आपको बता रही हूँ कि एक सीट है उसके ऊपर एक बंदा ही बैठता है, तो एक रिसेप्टर के ऊपर एक ही मॉलिक्यूल बाइंड कर सकता है. तो ये भी है और इसके अलावा हमने एक सिंथेटिक भी इसके साथ डाल दिए, तो दे बोथ विल कम्पीट. ठीक, तो पॉसिबिलिटी है कि ये बाइंड कर जाए, ये पॉसिबिलिटी है कि वो जो हमने सिंथेटिक डाला है वो बाइंड कर जाए, तो सिंथेटिक वाला फिर इसकी बाइंडिंग को अफेक्ट करेगा. ठीक है, अगर कंपटीशन कम होगा, फॉर एग्जांपल आप मेडिकल कॉलेज में आए हो, यहाँ पर आपके पास 150 सीट्स थी,
अगर 100 लोग होते तो इसका मतलब है everyone would have a chance to get a seat, ठीक है? लेकिन अगर 1000 लोग होंगे तो there will be a competition, while किसकी बारी आ जाती है, कौन बाइंड कर जाता है उस सीट के साथ, किसको मिल जाती है, ठीक है? Yes ma'am. इसमें मैम ये कौन determine करेगा कि क्या बाइंड है and acceptor? ये आपस में इनकी लड़ाई होगी. बस वो समझ आ गई, मतलब लेकिन बाइंड कौन सा करेगा, मतलब कैसे डिटरमाइन किया जाएगा पहले, कि क्या वो पहले आ जाए. मैम दोनों नहीं बाइंड कर सकते हैं, एक रिसेप्टर को एक ही बाइंड कर सकता है, एक सीट के ऊपर एक ही बैठेगा ना, दो नहीं बैठ सकते. मिस आधा आधा भी तो बैठ सकते हैं ना, आधा आधा नहीं बैठेगा, इधर नहीं बैठेगा आधा, एक ही बैठेगा. जी अब ये पहले मैंने आपको यहाँ तक डायग्राम दिखाई थी पिछले स्लाइड के अंदर, ठीक है? फाइब्रोनेक्टिन मॉलिक्यूल है, इट इज बाइंडिंग टू इट्स रिसेप्टर, इट दिस रिसेप्टर इट हैज फोर आर्म्स, एक अल्फा चेन है एक बीटा चेन है इसके पास, ठीक है? ए एंड बी मींस अल्फा एंड बीटा. फाइब्रोनेक्टिन इट विल बाइंड टू इट्स रिसेप्टर व्हिच इज कॉल्ड एज इंटेग्रिन. इंटेग्रिन विल देन व्हाट इंटेग्रिन विल डू, इंटेग्रिन विल बाइंड टू एक्टिन. एक्टिन इज अ पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन व्हिच इज इनसाइड द सेल, ठीक है? और ये एक्टिन को डायरेक्टली बाइंड नहीं कर सकता, दरमियान में देर आर एक्टिंग बाइंडिंग प्रोटीन्स, वेरियस जो है अटैचमेंट प्रोटीन्स हैं जो कि इसको हेल्प करती हैं एक्टिन के साथ बाइंड कर. तो इस तरह से अब आप फाइब्रोनेक्टिन के क्या क्या काम बता सकते हैं मुझे, जो मैंने क्या बताया फाइब्रोनेक्टिन विल बाइंड टू इट्स रिसेप्टर इंटेग्रिन, इंटेग्रिन इट्स टू पार्ट्स अल्फा एंड बीटा, ठीक? इंटेग्रिन विल फिर क्या करेगा, जिस तरह से ट्रांसडक्शन में मुख्तलिफ चीजें होती है ना, पहले कोई हार्मोन आता है वो रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं, देन समथिंग हैपेंस इनसाइड द सेल. तो यहां फाइब्रोनेक्टिन आया है, रिसेप्टर पे बाइंड किया है, दिस रिसेप्टर विल इन टर्न इट विल बाइंड टू एक्टिन. एक्टिन इज पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन इनसाइड द सेल, ठीक है? अब ये एक्टिन के साथ डायरेक्टली बाइंड नहीं करता, बल्कि देर आर सम एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, अटैचमेंट प्रोटीन्स हैं जो कि इसको हेल्प करती हैं एक्टिन के साथ बाइंड करने. जब ये एक्टिन के साथ बाइंड करेगा तो फिर इसका मतलब है इट हैज कनेक्टेड द outer space your outer components of the cell with the inner components, ठीक? So extracellular matrix ke components ko it is binding with the intracellular components, ठीक है? So it is acting as a bridge between the extracellular matrix and the intracellular components, ठीक है? तो क्या क्या function आप समझ आते हैं fibronectin के? जी बेटा मसल अटैचमेंट में मैम सेल टू सेलेशन करता है, सेल माइग्रेशन में रोल प्ले करता है. ठीक है, नेक्स्ट इट कैन बाइंड टू मल्टीपल कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सट्रासेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है? बाहर ये मुख्तलिफ चीजों को कंबाइन कर सकता है, इट कैन बाइंड टू डिफरेंट सेल्स, इट कैन जब सेल्स के साथ बाइंड करता है देन इट अफेक्ट्स द माइग्रेशन ऑफ द सेल, सेल को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट में इसकी हेल्प करता है, ठीक है? मूवमेंट को रेगुलेट करता है, ठीक? इट अफेक्ट द ग्रोथ एंड इट कनेक्ट्स द आउटर एनवायरनमेंट ऑफ द सेल विद द इनर एनवायरनमेंट ऑफ द सेल, ठीक है? इसके मल्टीपल रोल्स हैं, ठीक है? एम सिग्नल ट्रांसडक्शन में भी रोल प्ले करेगा, सिग्नल ट्रांसडक्शन के कैसे रोल कह सकते हैं, ठीक है? अब अगर देयर आर सम एबनॉर्मल सेल व्हिच आर कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म्ड सेल, लाइक कोई कैंसर सेल है या कुछ इस तरह के एबनॉर्मल या म्यूटेटेड सेल्स हैं, तो उनके अराउंड फाइब्रोनेक्टिन की जो क्वांटिटी है इट विल बी रिड्यूस्ड, फाइब्रोनेक्टिन का अमाउंट कम हो जाएगी. ये फाइब्रोनेक्टिन कम होने से क्या होगा कि क्योंकि ये सेल माइग्रेशन को बहुत सेल्स को बहुत ज्यादा इधर से उधर माइग्रेट होने नहीं देता, उसकी माइग्रेशन कराता तो है लेकिन ऑन अ स्लो पेस, ठीक? तो अब अगर फाइब्रोनेक्टिन होगा तो सेल दे विल बी able to move from one place to another, ठीक है? There will be abnormal movement, जिसकी वजह से इस तरह cancer metastasis हो जाता है, ठीक है? तो उसकी वजह से the cell they can move from one place to another more freely or abnormally, ठीक है? मैम ये synthesis कहाँ पर होता है? It is synthesized in the extracellular space. ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट्स से लेकर,
ठीक है. नाउ अब मैं आपको इस डायग्राम से आप देखेंगे, ये भी डायग्राम थिंक सो हार्पर की ही है या नहीं, नहीं हार्पर में है. ये देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर देयर दीज आर द रिसेप्टर्स. दीज रिसेप्टर्स दे आर कॉल्ड इंटेग्रिन्स. इंटेग्रिन्स आर हेटरोडाइमर्स. हेटरोडाइमर्स का मतलब दो मॉलिक्यूल, दो मैंने आपको बताया था इसके अंदर चेंज है, एक अल्फा है एक बीटा है. दे आर नॉट सेम, so they are, it means they are heterodimers. ठीक है, इस alpha और beta type की polypeptide chains हैं. ठीक, अब ये integrin receptor हैं, they are binding these fibronectin molecules. ये जो आपको orange में double double नजर आ रहे हैं, these are fibronectin molecules. So integrin is binding fibronectin. Fibronectin then it can bind multiple things. So fibronectin is binding collagen and fibronectin is binding proteoglycan. तो इस तरह से ये सारा का सारा चीजें आपस में कनेक्ट हो. ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन कर लेते हैं कि नहीं. एक और डायग्राम से दिखाने की कोशिश करती हूँ कि ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल के ऊपर ये इंटेग्रिन्स लगे हुए हैं. दिस इंटेग्रिन, दिस इंटेग्रिन, दिस इज इंटेग्रिन, दिस इज इंटेग्रिन. ठीक है, this integrin it is binding fibronectin. Fibronectin यहाँ से फिर collagen proteoglycan के साथ bind हुआ होता है. ठीक है, through an RNA sequence, ये जो आपको red color का नजर आ रहा है. ठीक है, then fibronectin, ये जो integrin है, it can also bind laminin. Laminin को भी bind कर सकता है, ये directly collagen भी bind कर सकता है, integrin receptors. ठीक है, these integrin receptors they can bind multiple things, काफी सारा कुछ bind कर सकते हैं और थोड़ा सिग्नल ट्रांसडक्शन की जैसे रोल प्ले करते हैं. ठीक है, इनका रोल सिग्नल ट्रांसडक्शन के जैसा, यानी कि दे विल कनेक्ट द आउटर एनवायरनमेंट ऑफ द सेल विद द इनर एनवायरनमेंट. ठीक है, एक इनका ये रोल होगा, दूसरा सिग्नल ट्रांसडक्शन के जैसा रोल प्ले करते हैं, दूसरा सेल की माइग्रेशन, सेल की मूवमेंट को जो है रेगुलेट करते हैं. ठीक है, ये हार्पर की डायग्राम है, ये सेल है, सेल के ऊपर ये ए बी जो शो किया हुआ है उन्होंने, ये इंटेग्रिन मॉलिक्यूल्स हैं, इंटेग्रिन रिसेप्टर है. दे बाइंड लैमिनिन, दे कैन बाइंड फाइब्रोनेक्टिन, दे कैन आल्सो बाइंड कोलेजन. ठीक है, नाउ वी विल कम टू द लास्ट स्ट्रक्चर, सॉरी एडहेशन प्रोटीन व्हिच इज कॉल्ड एज लैमिनिन. लेमिनिन, इसके नाम से पता चलता है कि ये कहाँ होगी, इन द बेसल लेमिना. ठीक है, लेमिनिन इज प्रेजेंट इन द बेसल लेमिनास. बेसल लेमिना जो आपके किडनीज के अंदर जो रीनल ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन है, बेसल लेमिना और बेसल लेमिना और भी जहां जहां भी बेसल लेमिना. बेसल लेमिना कहाँ होता है, इट इज बीनीथ द एपिथेलियम, सो इट इज द पार्ट ऑफ बेसल लेमिना. बच्चों हो किस हो गए हो, प्रेजेंट बोलो. प्रेजेंट है मिस. प्रेजेंट मैम. प्रेजेंट कब तक होगा ये लेक्चर, कितना रहता है मैम? बेटा आप जाने दो, चले जाएं, आपको टाइम खत्म होगा लग रहा है. प्रेजेंट मैम. रहते हैं जी. लेमिनिन जो होता है वो भी एक मतलब बेसल बेसल लेमिना टाइप है, मतलब ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की टाइप है. एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ये पे वो प्रोटीन्स हैं, मॉलिक्यूल है. इट इज अ प्रोटीन, लेमिनिन इज अ प्रोटीन. ठीक है, एंड इट इज प्रोटीन इज प्रेजेंट इन बेसल लेमिना. बेसल लेमिना एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ so many things. ये चार चीजें हैं ये जो आपको नीचे नजर आ रही हैं. ठीक, सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी में यूज होती है बेसल लैमिना में, इट इज टाइप 4 कोलेजन. मैंने आपको जब कोलेजन आया था तो मैंने आपको बताया था बेसल लैमिना में टाइप 4 कोलेजन होता है. ठीक है, टाइप 4 कोलेजन के अलावा इसमें एक छोटी सी प्रोटीन होती है जिसको आप इंटेक्टिन कहते हैं. ठीक है, ये दो हो गई, इसके अलावा इसके अंदर लैमिनिन होता है. ठीक, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में टाइप 4 कोलेजन है, उसके बाद क्वांटिटी में लैमिनिन है. ठीक, उसके बाद इंटेक्टिन प्रोटीन है और इसके अलावा इसके अंदर एक ग्लाइकोप्रोटीन है
सॉरी प्रोटियोग्लाइकैन का नाम है पर्लिकैन. दिस पर्लिकैन इट हैज हेपरिन हेपरॉन सल्फेट. ठीक है, इट इज नॉट अ प्रोटीन, इट इज अ प्रोटियोग्लाइकैन. प्रोटियोग्लाइकैन का मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है. और उनका कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है हेपरिन और हेपरॉन सल्फेट. ठीक, तो ये चार चीज आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द बेसल लैमिना. सबसे ज्यादा क्वांटिटी में टाइप 4 कोलेजन है, उसके बाद लैमिनिन है, उसके बाद पर्लिकैन एंड इंटैक्टिन. ठीक है, समझ आती है. हमने टाइप 4 कोलेजन पढ़ ली है. ये जो गैग्स और ये है ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे. ठीक है, इंटैक्टिन हमने करना नहीं है डिटेल में, लैमिनिन हमने करना है. ठीक है, ये टेस्ट में होंगे ये वाले आज वाले टॉपिक लैमिनिन तक टेस्ट में बेटा. अच्छा, ओके मैम. ओके, अब लैमिनिन का स्ट्रक्चर है. ठीक है, लैमिनिन इट इज मेड अप ऑफ 3 चेन्स. इट इज अ हेट्रो ट्राइमर. हेट्रो मींस डिफरेंट, सो देयर आर 3 डिफरेंट चेन्स. सबसे दरमियान में जो चेन है इट इज कॉल्ड अल्फा चेन. ठीक, इधर आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर इज द बीटा चेन एंड आपकी राइट साइड के ऊपर इज द गामा चेन. ऑल दीज 3 चेन्स दे आर जॉइंड टुगेदर थ्रू डाइसल्फाइड ब्रिजेस. ठीक है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं. ओके, इसके अलावा जो इसकी पार्ट है वो ये है कि इसका मेजर पार्ट सारे अल्फा बीटा गामा चेन का इट इज इन द अल्फा हेलिक फॉर्म. ठीक है, अल्फा चेन की फॉर्म में, अल्फा हेलिकल फॉर्म के अंदर इसका मेजर पार्ट है. ठीक है, जो इसके अंदर तीनों चेन्स हैं, ऑल 3 दे हैव एक्सटेंशन ऑन देयर अमाइनो एंड. ये देखो अमाइनो एंड है, इसका अमाइनो एंड के ऊपर भी एक एक्सटेंशन है, अल्फा चेन की अमाइनो एंड पे भी एक्सटेंशन है और गामा चेन की अमाइनो एंड पे भी एक्सटेंशन है. ओनली द जो अल्फा चेन है इसका सिर्फ कार्बोक्सिल टर्मिनल एक्सटेंड किया हुआ है, बाकी दोनों के कार्बोक्सिल टर्मिनल के ऊपर देयर इज नो एक्सटेंशन. ठीक है, इट इज एज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर. ठीक, और अगर आप इसको इमेजिन करें तो थोड़ा सा क्रूसीफॉर्म स्ट्रक्चर, पीछे डायग्राम में भी आपको नजर आया था लाइक दिस. It is a cruciform structure, ऐसे और ऐसे तरह का स्ट्रक्चर होता है इसको लैमिनिन का. ठीक है, समझ आ गई क्या? रिपीट कर दो मैम, प्लीज एक दफा रिपीट कर दो मैम. रिपीट कर. लैमिनिन इट इज अ प्रोटीन विद 3 टाइप ऑफ, यानी इसके अंदर देयर आर 3 चेन्स इन इट. ओके, वन इज द अल्फा चेन, द सेकंड वन इज द बीटा चेन एंड द थर्ड वन इज द gamma chain. Alpha chain is in the center. ठीक, all 3 chains they are joined together through disulfide bridges. ठीक, और इसके अलावा इसकी important बात ये है that most of the part of all 3 chains it is in the alpha helical form. The amino end of all chains alpha, beta and gamma, all इनकी जो amino end है they have extensions. Okay, and through these extensions, extension का क्या काम है? That through these extensions it will bind to मल्टीपल कंपाउंड्स. ठीक है, कोलेजन के साथ बाइंड कर सकता है. बेटे ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए नहीं आते हैं. ठीक है, लेकिन आपको उनकी डिटेल आ सकती है, वैसे आपको पता होना चाहिए कोलेजन का आ सकता है. ठीक है, और ये कार्बोक्सिल टर्मिनल जो है सिर्फ और सिर्फ अल्फा चेन का एक्सटेंडेड होता है. ठीक है, और थ्रू दिस एक्सटेंशन बाइंड, जो इनकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी, एडहेशन प्रॉपर्टी है, the adhesion property is these extended chains. ठीक है मैम, important questions की कोई लिस्ट ही दे दे हमें मंडे को. मंडे को तो टेस्ट है तो तभी पता चल जाएगी ना. मैम आई हैव अ क्वेश्चन. अच्छा जी, अब जो एक्सेलुलर जो टाइप 4 है हाँ जी, ये जो लैमिनिन है इट कैन बाइंड मल्टीपल कंपाउंड्स. जैसे मैंने आपको बताया इट कैन बाइंड टू कोलेजन टाइप 4 मेनली, जो के बेसल लैमिना में होता है. इट कैन बाइंड टू हेपरिन, इंटेग्रिन, बाइंड टू सल्फेटेड लिपिड्स, इट कैन बाइंड टू प्रोटियोग्लाइकैन. ठीक है, इंटैक्टिन प्रोटीन के बारे में बस थोड़ी बता देती हूँ. ये ग्लाइकोप्रोटीन है
एंड इट कैन ऑल्सो बाइंड टू लेमिनिन ठीक है थ्रू द आरजीबी सीक्वेंस. अच्छा अब मैंने आपको एक लास्ट बात बतानी है बस. ठीक है दिस लास्ट थिंग इज इम्पोर्टेंट एंड इट इज इंटरेस्टिंग. अच्छा जी अब ये जो लैमिनिन मैंने आपको बताया ये किसका पार्ट है? बेसल लैमिना भी कहां पर है? ज्यादातर जहां जहां भी इन्हीं हर जगह पे बेसल लैमिना ठीक बट द बेसल लैमिना ऑफ द ग्लोमेरुलस ठीक है आपके रीनल ग्लोमेरुलस है उसका बेसल लैमिना ठीक आपके लंग्स के अंदर भी बेसल लैमिना में और हर जगह बेसल लैमिना में बीनीथ योर स्किन ऑल ठीक है. अब ये जो आपका बेसल लैमिना होता है स्पेशली ऑफ द रीनल ग्लोमेरुलस इसका काम क्या है? इसके अंदर मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं. मैंने आपको बताया टाइप 4 कॉलिन है लैमिनिन है इंटेक्टिन है प्रोटियोग्लाइकेंस हैं ठीक. ये प्रोटियोग्लाइकेंस होते हैं ना दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड इनके पास सल्फेट होता है ठीक है. मैंने आपको बताया ऊपर दिखाया था आप जाहिर आपने इतना ज्यादा गौर नहीं किया होगा आई होप सो कि ये जो प्रोटियोग्लाइकेन है दे हैव हेपरॉन सल्फेट सल्फेट इज नेगेटिव चार्ज्ड ठीक है. तो जो आपका बेसल लैमिना है इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड ठीक है. अब ये जो आपका और इन सबके मिल से छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं ठीक है. एंड दीज पोर्स दे अलाउ ओनली पोलर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू देम ठीक है. जैसे इन्यूलिन एक मॉलिक्यूल ये इसके अंदर से पास कर सकता है. इन्यूलिन इज अ कार्बोहाइड्रेट जो कि इसमें से क्रॉस कर सकता है. एल्ब्यूमिन जो है इसका साइज भी इन पोर्स से छोटा है. दीज पोर्स आर अबाउट 8 नैनोमीटर इनकी जो है पोर्स का साइज ठीक है. 8 नैनोमीटर तक मॉलिक्यूल्स को पास करने देता है. एल्ब्यूमिन जो है वो 8 नैनोमीटर से इट कैन क्रॉस दीज पोर्स लेकिन आपके यूरिन में प्रोटीन नहीं आता. रीनल ग्लोमेरुलस से प्रोटीन दे कैन नॉट पास सिर्फ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन एक्सक्रीट होती है. अदरवाइज प्रोटीन इट कैन नॉट क्रॉस द पोर ऑफ द रीनल ग्लोमेरुलस. व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दैट ये आप सर्वाइवा में पूछते हैं ठीक है. The reason is that the proteoglycans, especially heparan sulfate or glycoproteins, hain, jo basal lamina hain, they are negatively charged. Albumin is also negatively charged, theek hai? Albumin negatively charged hai, aur jo proteoglycan aapke basal lamina mein hai, wo bhi negatively charged hai. So they will repel each other. Albumin ka size chota hai, un pores se guzar sakta hai, lekin guzarta kyun nahi hai? Kyunki jo aapke basal lamina mein negative charge proteoglycan hai, they repel albumin aur albumin wapis reabsorb ho jata hai. ठीक है. अगर ये नेगेटिव चार्ज किसी भी रीजन की वजह से कम हो जाए आपका प्रोटियोग्लाइकेन डिस्ट्रॉय हो जाए देन एल्ब्यूमिन इट विल स्टार्ट एक्सक्रीटिंग इन द यूरिन. आपके यूरिन में एक्सक्रीट होने प्रोटीन शुरू होती है एंड व्हेन प्रोटीन इज एक्सक्रीटेड इट कैन लीड टू रीनल फेलियर. ठीक है. एक कंडीशन है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस उसके अंदर एंटीबॉडीज बन जाती हैं आपके अपने ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन के अगेंस्ट. ठीक है. और जब एंटीबॉडीज बन जाती हैं देन योर ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन इट इज डिस्ट्रॉयड इट इज डैमेज्ड और फिर उसमें से एल्ब्यूमिन जो है वो एक्सक्रीट होने शुरू होता है. ठीक है. समझ आ जाती है यहां तक बात. दिस कंडीशन इज नोन एज एल्ब्यूमिन यूरिया एज एल्ब्यूमिन इज बीइंग एक्सक्रीटेड इन द यूरिन. मैम इतना काफी है. ठीक यहां तक हमने. हां जी इतना काफी है. ठीक है मिस ये रीनल ग्लोमेरुलस से प्लीज समझा दें कुछ मतलब आसान ऊपर से गुजर रही है. ऊपर से गुजर रही है ठहरो मैं बताती हूँ. अच्छा जी अब दिस इज आप सब एक बैरियर है व्हिच इज द बेसल लैमिना. This base lamina, it is negatively charged. इसके ऊपर negative charge है. Why it is negatively charged? Who will tell me? Because of the proteoglycan की वजह से. Basal lamina की वजह से. Basal lamina में proteoglycan. Miss heparin, heparin sulfate. Heparin sulfate and sialic acid. और भी जो है ना proteoglycan के molecules हैं, which are negatively charged. ठीक है. अब ये base lamina है.
इसके पोर साइज जो है वो इतना है कि एल्ब्यूमिन इट कैन क्रॉस, एल्ब्यूमिन जो है उसमें से क्रॉस कर सकती है, ठीक, लेकिन एल्ब्यूमिन क्रॉस नहीं करती बिकॉज एल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन एंड इट इज ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज, ठीक। जब ये इसके पास आती है थोड़ी बहुत क्रॉस कर जाती है, लेकिन दीज नेगेटिव चार्ज दे रिपेल एल्ब्यूमिन, उसे कहते हैं वापस जाओ, एंड एल्ब्यूमिन इट डज नॉट गो आउटसाइड दिस लेमिना एंड इट इज नॉट एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, ठीक है, ये यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होता एल्ब्यूमिन, ठीक। अगर किसी भी वजह से मैंने आपको एक कंडीशन बताई है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसमें एंटीबॉडीज बन जाती हैं बेसल लेमिना के अगेंस्ट, दीज नेगेटिव चार्ज दे आर रिड्यूस्ड, ये कम हो जाते हैं, ठीक। जब कम हो जाएंगे तो रिपल्शन भी कम हो जाएगी, एल्ब्यूमिन विल बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द किडनी, आपके यूरिन में आने शुरू कर देगी, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एल्ब्यूमिन यूरिया। ठीक, समझ आ गई। जो हाइड्रोक्सिलेशन और जो डेस्मोसिन लिंकेजेस हैं और एक डायग्राम है वो रिएक्शन की, ये रिएक्शन हमने याद करने हैं पूरे ड्रॉ करने के लिए, रिएक्शन के अंदर ना ड्रॉ नहीं करना, लेकिन आप ऊपर लिखोगे कि प्रोलीन, खाली प्रोलीन तो लिख सकते ना, प्रोलीन आगे रिएक्शन का एरो डाले, ठीक है, उसके अंदर लिखें एस्कॉर्बिक एसिड आयरन, एक तरफ से ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है, एंड इट इज कन्वर्टेड टू, एक तरफ से अल्फा की जो ग्लूटामिक एसिड आ रहा है, ऑक्सीजन इज बीइंग कन्वर्टेड टू वाटर एंड प्रोलीन इज कन्वर्टेड टू हाइड्रोक्सीन, रिएक्शन लिखना आना चाहिए, लेकिन उसका स्ट्रक्चर नहीं, प्रोलीन का स्ट्रक्चर या डेस्मोसिन लिंकेज के कभी इस तरह याद कर लें, मतलब स्ट्रक्चर बनाए बगैर इसको इस तरह कर लें, जैसे लाइसीन है और लाइसीन इज कन्वर्टेड टू एलाइसीन और उसके अंदर अमोनिया निकल रहा है और इस तरह आप इतना इतना याद करें, अमोनिया वाटर निकल रहे हैं, फाइब्रोनेक्टिन है, ठीक है ना, हमारे पास होमोडाइमर होती हैं जबकि जो इंटेग्रिन होती है उसके दो चेन्स होती हैं वो हेटरोडाइमर होती हैं, ऐसे ही है, इंटेग्रिन आर हेटरोडाइमर और कौन होमोडाइमर है, मिस इंटेग्रिन की जो दोनों, हां, जबकि जो फाइब्रोनेक्टिन की दो चेन्स है वो होमोडाइमर होती है ना, और होमोडाइमर के अंदर ही जो सेवन डोमेन्स होती हैं वही जाके अटैच होती हैं ना डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ, हां जी बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, ओके मिस, थैंक यू, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ मैम।